हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रेबिट ट्रेनर राहुल एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल हर्बल सिलोमेट इंडिया में हार्दिक स्वागत करते हैं। और दोस्तों, मैं कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर राहुल पटेल आप सभी लोगों का हर्बल सिनोवेट इंडिया कंपनी में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हर्बल सिनोवेट इंडिया के एक स्पेशल प्रोडक्ट रैबिट वाटरलेस बाथ स्प्रे की। बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि सर, खरगोश को कैसे नहलाएं, खरगोश को नहला देते हैं तो मर जाता है, तो इस तरीके का कोई समाधान लाइए जिससे कि खरगोश अच्छी तरीके से नहा ले, उसको कोई भी परेशानी ना हो, खरगोश डिओडाइज हो जाए, उसके अंदर से नीम और एलोवेरा की खुशबू आने लगेगी और खरगोश के ऊपर मक्खी मच्छर भी कम बैठेंगे और खुजली, फंगस जो तमाम तरीके की समस्याएं हैं उससे खरगोश को आपको बड़ी ही आसानी के साथ निजात मिल जाएगा। तो इस वाटरलेस बाथ स्प्रे का प्रयोग आपको अपने रैबिट पर किस प्रकार करना है, किन महत्वपूर्ण चीजों का आपको ध्यान रखना है, तो इस चीज के लिए एक स्पेशल वीडियो यहाँ पर आज बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये एक रैबिट का है, ये करीब 3 महीने का रैबिट है, रैबिट फार्म में हमारे, इसके ऊपर आप लोगों को अप्लाई करके दिखाएंगे। देखिए, जो भी प्रोडक्ट हम आपको देते आए हैं या आज तक जो भी दवाएं हमने आप लोगों को बताई हैं, आप लोगों के आंखों के सामने उसको हमने अपने खरगोश के ऊपर अप्लाई करके दिखाया है। तो यहाँ पर इस रैबिट बाथ स्प्रे का भी यूज अपने रैबिट पर हम आप लोगों को करके दिखाएंगे। और देखिए दोस्तों, किन किन बातों का ध्यान रखना है आप लोगों को, उसका भी ध्यान रखना है। 225 ml का स्प्रे है, काफी हैवी पैकिंग में है। इसकी स्प्रे की क्वालिटी देखिए कितनी अच्छी है, कितना अच्छा स्प्रे फोकस के साथ निकल रहा है। और यहाँ पर इस रैबिट के ऊपर हम अप्लाई करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको रैबिट बाथ स्प्रे का प्रयोग कहाँ से शुरू करना है, आप सबसे पहले खरगोश के चारों पंजे में, यहाँ पर फंगस की समस्या सबसे ज्यादा होती है, यहाँ पर आप इसके चारों पंजों में इस तरीके से सबसे पहले बाथ स्प्रे का प्रयोग कर लें। खरगोश के पंजे में ऊपर नीचे हर जगह पर आप इसको अच्छी तरीके से मार दें, इस तरीके से चारों पंजे में सबसे पहले खरगोश के आप ड्राई बाथ स्प्रे लगा सकते हैं। आप अभी देखें, मैं वीडियो अकेले शूट कर रहा हूं, आप चाहें तो एक लोग की आवश्यकता मदद जरूर लें, उसके बाद खरगोश को अपने ड्राई बाथ स्प्रे दें। अब जो फंगस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो शुरुआत कहाँ से होती है, खरगोश के कानों से। तो आप इस तरीके से खरगोश के कानों पर स्प्रे मार देंगे। अब स्प्रे मारते समय आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि खरगोश के आंखों में स्प्रे बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए और कान के अंदर स्प्रे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप चाहें तो इस तरीके से इसकी आंख बंद करके खरगोश के ऊपर आप पूरी बॉडी में एक तरफ से आप इसका हल्का हल्का स्प्रे कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से बालों को खींचते जाइए उल्टी साइड और अंदर तक खरगोश के इस स्प्रे को लगा दीजिए। स्प्रे की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हल्की हल्की नीम और एलोवेरा की खुशबू आ रही है। अब इसके माउथ पर मार देते हैं। आप ध्यान रखें, खरगोश के आंख में नहीं जाना चाहिए और नाक में नहीं जाना चाहिए, कान में नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से देखिए, खरगोश की पूरी बॉडी पर ये वाटरलेस बाथ स्प्रे लग गया है। अब हम क्या करेंगे, खरगोश के नीचे साइड में, नीचे का जो पोर्शन है वहां पर भी हम खरगोश के स्प्रे इस तरीके से आगे के जो हाथ है इसके पिछले अपने हाथ के ऊपर रख लेंगे। खरगोश थोड़ी देर परेशान करेगा और उसके बाद आपको इस तरीके से जो बाथ स्प्रे का यूज है खरगोश के हर एक, और यहाँ पीछे जहाँ से वो लैट्रीन बाथरूम करता है वहाँ भी फंगस और इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, वहाँ भी मारिए। और देखिए, इसके पूरे बॉडी में ऊपर तक, गले के नीचे, हर जगह पर खरगोश के आप इस तरीके से वाटर बाथ स्प्रे का प्रयोग कर देंगे। पूंछ पर जरूर ध्यान दें, पूंछ बहुत ही ज्यादा परेशान हो, पूंछ पर बहुत ज्यादा हो, इस तरीके से पूरे, देखिए पूरे बॉडी पर आपने स्प्रे कर दिया है। अब स्प्रे करने के बाद बोतल को आप बंद कर दीजिए, खरगोश को ऐसे रखें, किसी साफ टॉवल के कपड़े से या आप गमछे से सूती, या फिर आप मान के चलिए कि किसी साफ कपड़े से, ये आप कोशिश करें, कॉटन का कपड़ा रखें, टॉवल रखें, इस तरीके से अपने रैबिट को आप उसको पोंछ सकते हैं। थोड़ी देर बाद 10 मिनट के अंदर आप देखेंगे खरगोश आग के जो फर है वो पहले की तरह हो गए। अब इसके ऊपर से नीचे, आगे से पीछे, हर तरीके से इसके पोंछ सकते हैं आप अच्छी तरीके से। वाटर बाथ स्प्रे लगा दिया है अभी हमने इसको, अब बिना पानी के खरगोश हमारा जो है वो नहा चुका है। इसको आगे से पीछे हर तरीके से अच्छी तरीके से इसको पोंछ देंगे। तो दोस्तों, बात हो रही थी वाटरलेस बाथ स्प्रे की, तो इसमें आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वो भी हम आप लोगों को बता दें कि खरगोश की आंखों में, कान में नहीं जाना चाहिए, नाक में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और खरगोश को अच्छी, जब आप नहला देंगे किसी भी अच्छे टॉवल से, आप इसको अच्छी तरीके से पोंछ देंगे। उसके बाद खरगोश को उसके केज में रख दीजिए आप, और पानी, बिल्कुल भी पानी लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये खरगोश आपका 10 से 15 मिनट के अंदर पूरी तरीके से इसके फर खुल जाएंगे, इसके खुजली फंगस की जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे कम पड़ जाएंगी। ये दवा खुजली और फंगस की नहीं है,
खुजली और फंगस यदि आ गया है तो आपको अलग से डॉक्टर से इसके एर्मेक्टिन वगैरह का इंजेक्शन है, एबेंडाजॉल, फेबेंडाजॉल, ओरल सोल्यूशन है, इनका सबका आपको प्रयोग करना है डॉक्टर की सलाह से। यदि एक नॉर्मल खरगोश है उसको आप महीने में 1 से 2 बार वाटरलेस बाथ स्प्रे देते हैं तो आपको इन समस्याओं से निजात मिलेगी और आपका खरगोश स्वस्थ और हेल्दी रहेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी से जानकारी मिल गई होगी और इस प्रोडक्ट को आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके खरीद सकते हैं। अभी कंपनी की तरफ से निःशुल्क डिलीवरी चल रही है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके डिस्क्रिप्शन में इसका रेट देख सकते हैं। अभी फ्री डिलीवरी का ऑफर चल रहा है, आप लोग इसका लाभ उठाएं और अभी हमसे खरीद सकते हैं। 15 से 20 दिन बाद जब ये प्रोडक्ट हमारा अमेजोन फ्लिपकार्ट पर पहुंच जाएगा तो वहां से आप लोगों को खरीदना पड़ेगा, काफ़ी अच्छे रेट में वहां पर ये सेल होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों के लिए हम विदा चाहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।